हरे कृष्णा बच्चों, स्वागत है आप सबका अपनी यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्कूल व्याख्याता का जो एग्जाम है उसके बारे में, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम। और स्पेशली आज हम बात करने वाले हैं कॉमर्स सब्जेक्ट की। कॉमर्स सब्जेक्ट को लेके मैंने देखा है कि बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा डर रहता है, कट ऑफ इतनी जाती है, कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, रिसोर्सेज अच्छे से अवेलेबल नहीं है, कन्वीनियंटली अवेलेबल नहीं होते हैं, तो बच्चों को कॉमर्स का ना बहुत खौफ रहता है। आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम ये जो एग्ज़ाम है फर्स्ट ग्रेड का, कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको इसके लिए क्या योग्यता की ज़रूरत है, क्या एलिजिबिलिटी है एग्ज़ाम में बैठने के लिए, एग्ज़ाम का नया पैटर्न क्या है और इस एग्ज़ाम की तैयारी आपने कैसे करनी है, इन सब बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एग्ज़ाम के लिए हमारी योग्यता की क्या ज़रूरत है, क्या हम इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए अभी एलिजिबल हैं या नहीं, इस चीज़ को हम पहले देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम में बैठने के लिए सबसे पहले बेटा एज की हम बात कर लेते हैं। आपकी जो एज है, आपकी जो उम्र है वो 21 से 40 वर्ष की होगी तो आप इस एग्ज़ाम में ज़रूर से बैठ सकते हैं। अब उम्र के साथ साथ यहाँ पर हमारी पढ़ाई की भी बात हो रही है। पढ़ाई के लिए आपको ज़रूरत है आपके पीजी की, क्योंकि हम यहाँ कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो आपका एमकॉम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एमकॉम के साथ साथ आपका बीएड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोनों ही मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपका एमकॉम और बीएड दोनों ही होना चाहिए तभी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है और आप एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं, आप क्लियर भी कर लेंगे एग्ज़ाम, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आप लटक जाएंगे तो आपकी जो इतनी मेहनत है वो सारी वेस्ट हो जाएगी बेटा, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों के कई बार सवाल आते हैं कि मैम हमारा बीएड तो हो गया बट हम एमकॉम के फाइनल ईयर में हैं तो क्या हम इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं? जी हाँ, आप ज़रूर ये एग्ज़ाम दे सकते हो। बस आपको इतनी सी बात का ध्यान रखना है कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन से पहले आपके हाथ में आपके दोनों ही एग्ज़ाम्स की मार्कशीट होनी चाहिए, एमकॉम की भी मार्कशीट होनी चाहिए और बीएड की भी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका बीएड हो गया है, एमकॉम फाइनल ईयर में है, तो भी एग्ज़ाम डेट से पहले आपके पास आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए और आपके पास अपनी मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपके पास अपनी दोनों डिग्रीज की मार्कशीट है तो ही आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो बेशक आप फॉर्म भर दीजिए बट ये ध्यान रखिएगा कि आपके एग्ज़ाम्स कब हैं और उसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, बिकॉज अगर आपके पास मार्कशीट्स नहीं होंगी और एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, अगेन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लटक जाओगे, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम डेट से पहले आपके हाथ में बीएड और एमकॉम दोनों की मार्कशीट होनी चाहिए तभी आप इस एग्जाम में बैठने लायक हो। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्जाम का नया पैटर्न क्या आया है। नए पैटर्न के लिए पहले थोड़ा सा पुराने पैटर्न को भी जान लेते हैं। पुराना पैटर्न क्या था कि आपके दो पेपर होते थे, ओके। पहला पेपर जो होता था वो जीके का होता था, उसमें आते थे आपके 75 सवाल, हर सवाल होता था 2 नंबर का और 150 नंबर का आपका एक एग्ज़ाम होता था, पहला पेपर होता था। आते हैं दूसरे पेपर पे, दूसरा पेपर जो होता है वो आपका सब्जेक्ट का होता है और इसके साथ साइकोलॉजी को भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। इसमें आपके अंदर आते हैं 150 सवाल, हर सवाल होता है 2 नंबर का और 300 नंबर का आपका पेपर 2 होता है। टोटल जो आपका पेपर है वो 450 नंबर का होता है और इसके अंदर से बेटा 1/3 जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, मतलब अगर आपने कोई सवाल गलत किया तो 1/3 नंबर आपके यहाँ पे कट जाएंगे, ओके। तो पेपर 1 का तो हमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। पेपर 2 पे हमारी चेंजेस आए हैं। पेपर 2 में आप देखिए 150 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। ये जो 150 सवाल है ना पेपर 2 के, ये 2 तरीके से डिवाइडेड है बेटा। आपके 120 सवाल जो होते हैं वो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट के होते हैं, ठीक है। जैसे आपका कॉमर्स है ना तो 120 सवाल तो आपके कॉमर्स से रिलेटेड आएंगे और बाकी जो 30 सवाल बचते थे बेटा वो आपके साइकोलॉजी से आते थे। अब बदलाव ये आया है कि ये जो आपके साइकोलॉजी के 30 प्रश्न है ना, ये पेपर 2 से हटा दिए गए हैं। ये जो सवाल हैं ये यहाँ से हटा दिए गए हैं, मतलब अब जो आपका पेपर 2 होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होगा। अब नया एग्ज़ाम पेपर जो है वो कितने मार्क्स का होगा, वो कैसे होगा, उसकी डिटेल अभी तक आरपीएससी ने नहीं निकाली है, उसकी डिटेल अभी तक हमारे पास नहीं आई है। पर हमको इस इन्फॉर्मेशन से ये समझ आ गया है कि अब हमारा जो एग्ज़ाम है
वो यूजीसी नेट एग्जाम की तरह होने लग जाएगा, जिसमें एक पेपर तो जनरल होगा और दूसरा पेपर आपका कोर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा। मतलब सेकेंड पेपर अब आपका सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल आएंगे। तो बेटा अब ना आपको अपने सब्जेक्ट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, पहले से भी ज़्यादा। अगर हम कॉमर्स के पेपर की बात करें तो आपके मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे कि इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि सब्जेक्ट जो है, जो कोर्स है, जो सिलेबस है, वो आपका बहुत बड़ा है। बेटा सबसे पहले ना हमको ज़रूरत है पेपर का एनालिसिस करने की। जब मैंने आपका सिलेबस का एनालिसिस किया, जब मैंने आपके प्रीवियस ईयर के पेपर के पेपर्स देखे, तो मुझे पता चला कि आपका जो कॉमर्स का पेपर है वो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है। मेजर सेक्शन जो है वो किसका है, सबसे पहले है अकाउंट्स का, उसके बाद है इकोनॉमिक्स का, फिर आता है आपका बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस स्टडीज आप कह लीजिए, फिर आएगी आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स जो आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, उसके बाद आपकी आती है स्टैटिस्टिक्स और आपका आएगा लॉ। ठीक है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, इंडियन इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स और लॉ, इस तरीके से आपका जो पूरा सिलेबस है वो बना हुआ है। लॉ का जो पोर्शन है और स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन है वो काफ़ी छोटा है। ठीक है, अकाउंट्स का पोर्शन बहुत मेजर है और इसके अंदर आपके जनरली प्रैक्टिकल सवाल ही बन रहे हैं, और प्रैक्टिकल सवाल भी जो बनते हैं ना बेटा, इतने टफ नहीं बनते हैं। बेसिक जो आपने 11th 12th में अकाउंटिंग के कंसेप्ट समझे हैं, उन्हीं पे ही इसमें से सवाल पूछे जाते हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स जो है बेटा, ये आपको पूरी लर्न करने की है, क्योंकि इसके अंदर ना आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और बाकी बिजनेस मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का भी अंदर मैक्रो जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, नेशनल इनकम वगैरह, यहाँ पे अगेन आपका प्रैक्टिकल पार्ट आ जाएगा। तो मैंने जो है आपके पेपर का एनालिसिस करके एक अपनी स्ट्रैटेजी बना ली, एक रणनीति बना ली है कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है। हमें पढ़ाई करनी है हर एक टॉपिक से रिलेटेड। हम पहले उठाएंगे बिजनेस मैनेजमेंट, या हमने उठा ली पहले अकाउंट्स, अकाउंट्स के हर एक टॉपिक को हमें क्लियर करना है। और टॉपिक में ऐसा नहीं है कि हमको एक ही टॉपिक को पकड़ के बैठ जाना है या उसी में हद से ज़्यादा घुस जाना है। हमने क्या करना है, साथ साथ में उसके PYQs देखने हैं, जो मैंने आप लोगों के लिए रेडी पहले से कर रखे हैं। प्रीवियस ईयर में जैसे सवाल पूछे गए हैं हर एक टॉपिक से रिलेटेड, वो सवालों को हम यहाँ पे साथ साथ में सॉल्व करते जाएंगे, जिससे क्या हो, आपको अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो, आपको पता चले कि मेरे एग्जाम में कैसे सवाल आने वाले हैं। और उन्हीं सवालों से रिलेटेड हमने कुछ MCQs भी सॉल्व करने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है MCQs को सॉल्व करना, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी ना क्वेश्चन सॉल्विंग की, उतनी स्पीड बढ़ेगी, उतनी ही नॉलेज बढ़ेगी आप लोगों की। अब ये रणनीति तो मैंने पूरी तैयार कर ली है, अब इसमें हम साथ में मिलके कैसे काम करेंगे। तो साथ में मिलके काम करने के लिए आपको दो चीज़ें करनी है। पहली चीज़ है आपको एक डेट ध्यान रखनी है, जो डेट है आपकी 20 अप्रैल 2024। ये डेट को आपको ने ध्यान रखना है। इस डेट को ऐसा क्या होने वाला है, इस डेट को अपनी यूनिवर्सिटी पे हम आप लोगों के लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें हम आपको फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की बहुत अच्छे से तैयारी करवाने वाले हैं, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारे जो प्यारे स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल लेक्चरर्स बन के बाहर निकले। ठीक है, अच्छा अब ये क्लासेस होंगी कहाँ पे, ये कोर्स कहाँ से आएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का मोबाइल एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और वहाँ पे आपको इस कोर्स की सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। आपने जल्दी से अपने आप को इस कोर्स में एनरोल करवाना है, ताकि कॉमर्स की तैयारी हम आज से ही स्टार्ट कर सकें। ठीक है, हम लोग 20th से ही इस कोर्स को अच्छे से स्टार्ट कर देंगे, तो आपने अपने आप को टाइम सर एनरोल करवा लेना है, ताकि आपकी तैयारी जो है वो पहले ही दिन से शुरू हो जाए। और इसी के साथ साथ YouTube पे भी आपको हमें सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में मैं आपके लिए फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाली हूँ, जिसमें हम और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे, इसका सिलेबस डिस्कशन करेंगे, इसके और PYQs के बारे में डिस्कस करेंगे, पिछले साल के पेपर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कट ऑफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हर एक चीज़ के बारे में, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं उन सब के बारे में हम इस बार YouTube के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है,
और 20 तारीख को हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले आपने अपने यूनिवर्सिटी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और इस कोर्स में अपने आप को एनरोल करा लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। हरे कृष्णा।